हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को फंक्शन में क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पॉलीनोमियल फंक्शन पर बेस्ड है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो तुम्हें जानना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कॉम्पिटिशन के लिए। ठीक है, तो बच्चों तैयार हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉलीनोमियल फंक्शन। ठीक है, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लो। लेट अ पॉलीनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स इज सैटिस्फाइंग द कंडीशन एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स बराबर टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स प्लस फाइव। बुक्स में जो इसे इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ऐसा दिया हुआ है, मतलब एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स। ठीक है, तो मैंने उस पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया है और मैं इसको एक जनरलाइज रूप में इसको सॉल्व करा करके तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऐसा बनाना चाहता हूं कि फिर इसके बाद तुम चाहे तो यहां फाइव लगाओ, नहीं लगाओ, कुछ भी कैसे भी कर लो, मतलब वो फिर सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, तो चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक्स की जगह पर अगर हम हर जगह वन बाई एक्स रख दें तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसमें तुम कुछ भी करके देख लो अभी, तो कुछ भी का क्या मतलब, एक काम तो करने से सॉल्व होगा ये जो मैं करने जा रहा हूं। मैक्सिमम चीजें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में फेल हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, देखो ये एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स है और यहां पे एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स है, कुछ इसी में कुछ गुणागणित हमें करनी है। अच्छा एक बात आप लोग बताओ, जैसे मान लो एफ एक्स माइनस ए बराबर मान लीजिए एक्स की पावर फाइव है, तो एफ वन बाई एक्स माइनस ए कितना हो जाएगा बच्चों, सोचो अपने कॉमन सेंस से। तो जाहिर सी बात है 1 बाई एक्स की पावर 5 हो जाएगा। अरे भाई अगर एफ एक्स माइनस ए बराबर एक्स पावर 5 है तो एफ 1 बाई एक्स माइनस ए बराबर 1 बाई एक्स की पावर 5 हो जाएगा। इन दोनों का आपस का जो रिलेशन है वो नहीं बदलना चाहिए। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना, इसमें भी जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं सारा है ना सिस्टम बना रहा हूँ ताकि तुम्हें इसे समझने में आसानी हो, और एक बार जब समझ में आ जाए तो इसके बाद इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आए जहां पर x और 1 बाई एक्स दोनों लगा हुआ हो और बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज की तरफ पहुंच गया हो तो आप उसे भी सॉल्व कर सके। ठीक है, तो अगर एफ एक्स माइनस ए बराबर एक्स पावर 5 है तो पक्का एफ 1 बाई एक्स माइनस ए बराबर 1 बाई एक्स की पावर 5 होगा। जहां पर x है वहां पे 1 बाई एक्स लिखने पर ऑटोमेटिक यहां पर जो है 1 बाई एक्स बन जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 भी आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अरे भाई एफ एक्स माइनस ए इंटू एफ वन बाई एक्स माइनस ए कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना। चलो अभी क्यों ऐसा मैं करा रहा हूं, क्यों मल्टीप्लाई करा के 1 दिखा रहा हूं, है ना, इन सब के पीछे कारण है। अच्छा देखो, अगर मैं तुमसे कह दूं कि कोई पॉलीनोमियल फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन का मतलब समझते हो तुम लोग, पॉलीनोमियल फंक्शन का मतलब होता है कि जो फंक्शन इस फॉर्म में हो, देखो एफ एक्स बराबर ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, है ना, जो भी फंक्शन इस फॉर्म में होता है उसे हम पॉलीनोमियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलो फिलहाल इसको जो है और आगे बढ़ाते हैं। देखो अगर मान लो कोई पॉलीनोमियल फंक्शन है और वो इसे सेटिस्फाई कर रहा, ध्यान देना इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, एफ वन बाई एक्स माइनस ए बराबर बी स्क्वायर, लेट सपोज दैट अगर मान लीजिए कोई पॉलीनोमियल फंक्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एफ एक्स माइनस ए जो है मतलब एक्स के फॉर्म में कुछ होगा और एफ वन बाई एक्स माइनस ए भी किसी है ना एक्स के फॉर्म में होगा, मतलब अगर ये एक्स की पावर फाइव है तो जाहिर सी बात है ये वन बाई एक्स की पावर फाइव है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको एक्स पावर एन मान लूँ तो ये जाहिर सी बात है वन बाई एक्स की पावर एन बन जाएगा, नेचुरल सी बात है। अच्छा अब ये बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे b ले लूँ और यहाँ पे b ले लूँ तो कोई दिक्कत, अगर मैं एफ एक्स माइनस ए को b इंटू एक्स की पावर n कह दूँ तो जाहिर सी बात है f 1 बाई एक्स माइनस ए को मुझे कहना पड़ेगा b इंटू 1 बाई एक्स की पावर n, b की जगह 1 बाई b नहीं करना है, x ही 1 बाई x करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बी स्क्वायर आएगा, पकड़ो इस बात को। अगर मैं इसके आगे प्लस 1 कर दूं इसके आगे प्लस 1 हो जाएगा, ऐसी बात है, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कभी भी बी स्क्वायर नहीं आएगा, समझ में आ रही बात। तो यहां पर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है,
ये क्यों कर रहा हूं ना, अभी बता रहा हूं यार, तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों रहते हो कि सर ये बता क्यों रहे हैं, ऐसा ऐसा है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये b इंटू एक्स क्यूब मान लो ये बी एक्स की पावर फोर है तो ये वन अपॉन फोर, ये वन बाई एक्स की पावर फोर, अगर ये जो है b इंटू एक्स की पावर फोर है तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू b इंटू वन बाई एक्स की पावर फोर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बी स्क्वायर तो बन ही जाएगा, अगर ये x की पावर फाइव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वन बाई एक्स की पावर फाइव हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ पर नाइन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वन बाई एक्स की पावर नाइन हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तभी तो यहां पर x नहीं आएगा, और अगर यहां पे प्लस वन या प्लस टू कर दोगे तो यहां प्लस वन या प्लस टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ही नहीं, फिर वो बी स्क्वायर, अगर मैं यहां पर x कर दूं तो यहां पे जाहिर सी बात है वन बाई एक्स हो जाएगा। अब बेटा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो कभी बी स्क्वायर नहीं आएगा, ध्यान दो, मतलब कि अगर ऐसा एक कोई भी फंक्शन इसको सेट, ये जो तुम लोगों को नियम बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रहे मैं बार बार कह रहा हूं इसे, और इसे अपने दिमाग में बैठा लो, एफ एक्स माइनस ए इंटू एफ वन वाई एक्स माइनस ए बराबर बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो आधा इसमें भी दे दो आधा इसमें भी दे दो, समझ में आ रही बात, और एक्स का एक ही टर्म रखना, एक्स के और टर्म अगर आ गए तो मल्टीप्लाई होकर वो आएगा ही नहीं उतना, समझ में आ रही बात, तो यहां पर इन दोनों का गणित खत्म, प्लस वन प्लस टू करने का गणित खत्म, मतलब सिस्टम खत्म, और यहां पर एक बी बांट दो यहां पर बी बांट दो, अगर तुम कहोगे नहीं सर इसको ऐसा कर दे, भाई ज्ञानी तो हो ही तुम लोग, महात्मा हो ज्ञानी हो, तुम कहोगे अरे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर तो करना है, तो पहले वाले में बी स्क्वायर एक्स पावर नाइन ले लें और दूसरे वाले में वन बाई एक्स की पावर नाइन ले लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो सच में बी स्क्वायर आएगा, पर बेटा इनका आपस का भी तो एक संबंध है कि अगर x जगह 1 बाई एक्स कर रहे हैं तो यहां पे 1 बाई एक्स करेंगे और यहां बी स्क्वायर भी तो आ जाएगा, इनका आपस का भी तो एक संबंध होता है कि अगर ये इस वाले में x जगह 1 बाई एक्स रखोगे तो दूसरे जगह जब x जगह 1 बाई एक्स लेफ्ट साइड में रख रहे हैं तो पूरा का पूरा वही आएगा, बस जहां पर x है वहां पर 1 बाई एक्स हो जाएगा, तब तो बी पावर फोर आने लगेगा मल्टीप्लाई करने पर, तो वहां तो बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसीलिए आधा आधा बांट दो ताकि मल्टीप्लाई होकर के ये बी स्क्वायर बन जाए। अगर बच्चों यहां पे बी होता तो यहां पे अंडर रूट लगा देते, आधा आधा बांटने में टेंशन मत लेना, समझ में आ रही बात, बी है तो अंडर रूट बी, अंडर रूट बी, ठीक है, उसको मैं आधा कह रहा हूं, समझ लो कि पावर में आधा करना है, समझ में आ रही बात। अच्छा चलो फिलहाल बी स्क्वायर है तो आप लोग इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहां पर अभी इसमें एक और चीज है, अभी खत्म नहीं हुआ है कि बस मिटा दें और आगे बढ़ के आंसर बता दें, रुक जाओ, इसको ऐसा समझ लो कि इसके बाद एग्जामिनर तुम्हें फंसा ना पाए। अच्छा देखो यहां पर तुम ध्यान से देखो, यहां पे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, अगर यहां पर प्लस बी एक्स पावर नाइन लेते हो, अरे यार इसको चलो n कर लो, ठीक है, तुम सोच रहे हो अरे सर 9 क्यों ले लिया, अरे लो n ले लो, n के बारे में नहीं पता, अभी पता लगाएंगे क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना इसका सोल्यूशन बच्चा देखता है, और पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेयर है, जो क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं इसके जो सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन उसको देखता है तो बच्चा याद कर लेता है, थोड़ा एग्जामिनर थोड़ा सा इधर उधर कर देता है, और ये मत सोचना कि एग्जामिनर को नहीं पता ये सब चीजें, एग्जामिनर को सब कुछ पता है, एग्जामिनर बस उसमें ज्यादा टेक्निकल बना दे ये उसके मर्जी के ऊपर है। अब ये मत सोचना कि उसको आता नहीं है या उसने देखा नहीं है तो कैसे करेगा, है ना, वो सब जानते हैं, वो तुम्हारे लेवल के अनुसार सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जाम में वो कर पाए, वो चाहे तो ऐसा क्वेश्चन उठा के रख दें कि हालत बिगड़ जाए, अरे वो बहुत नॉलेज वाले लोग हैं जो एग्जाम में पेपर सेट करते हैं, है ना, तो आप लोग तैयार रहा करिए, जो पढ़िए ईमानदारी से पूरा समझ डालिए, और उसके बाद उस तरह का मिलता है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत खींच देना, तुरंत कर देना। अब देखो इस ये अगर कोई पॉलीनोमियल फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता तो इनका आपस का संबंध ऐसा होना चाहिए कि जहां पर x है वहां पर 1 बाई एक्स हो और दोनों कट जाए और बी स्क्वायर आ जाए, तो उसके लिए बी स्क्वायर से एक बी उठा के पहले वाले में रखना है, दूसरा बी उठा के दूसरे वाले में रख देना है, और अगर यहां पे माइनस होगा तो यहां पे माइनस होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस होगा तो मल्टीप्लाई होकर के फिर भी प्लस निकलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करता है तो इन दोनों को जरूर सेटिस्फाई करेगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, और अगर ये तुमने सीख लिया तो फिर ये हमारा सारा काम कर जाएगा, फिर इससे हम आसानी से निकाल, फिर इसको भूल जाएंगे हम, फिर इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखो जो मैंने तुम लोगों को बताया, अब इसका कैसे यूज करना है, बस अब तो 90% काम हो गया है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम के लिए। अब देखो ये हमें कैसे सॉल्व करना है, जहां पर x है वहां पर 1 बाई एक्स रखने पर भी रिप्लेस करने से भी कुछ फायदा वायदा नहीं हो रहा था, है ना। जहां अगर यहां पे x जगह 1 बाई एक्स रख दो तो यहां पे x हो जाएगा, यहां पे 1 बाई एक्स हो जाएगा, यहां पे x हो जाएगा, फिर भी वही आ जाएगा कि जरा सा भी अंतर भी नहीं पड़ा। तो ये क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको 2fx plus 2f1 by x लिखते हैं। fx into f1 by x बराबर 2fx plus 2f1 by x plus 5 लिखेंगे, ठीक है। अब समझते जाओ, fx into f1 by x minus 2fx बराबर 2f1 by x plus 5 लिखेंगे, ठीक है। fx कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा, f1 by x minus 2 बराबर 2f1 by x plus 5 बनेगा। f1 by x minus 2 है, यहाँ पे भी f1 by x minus 2 आ जाए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। f1 by x minus 2 बराबर 2f1 by x minus 4 मतलब minus 2 और plus 5 plus 4 कर देंगे यहाँ पर, plus 4 plus 5। ये बोलो सही समझ में आ रहा है। अरे यार मैंने यहाँ पर ये किया 2f1 by x minus 4 plus 4 किया यार, ठीक है। ये जो इधर वाला जो लिखा हुआ है इसको माइनस फोर प्लस फोर किया और फिर टू कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा ना, इतना भाग ये आ गया, बाकी लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, वेरी गुड। अच्छा चलो इसको ऐसा कर दिया, ऐसा इसलिए कर दिया ताकि मैं जब इसको इधर ले आऊं तो कॉमन हो जाए। तो जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो क्या बनेगा, f1 by x minus 2 और f of x minus 2 बराबर 9, यही बनेगा। देखो ध्यान से भाई, मैं जब इसको इधर ले आऊंगा तो fx माइनस 2 आएगा ना, ये दोनों तो कॉमन हो गए। ये बन गया fx माइनस 2 इंटू f1 बाई एक्स माइनस 2 बराबर 9। मैंने x इस वाले टर्म को पहले लिखा, इसको बाद में लिख दिया क्योंकि मैंने समझाते समय x वाला टर्म पहले लिया था और 1 बाई एक्स वाला उधर लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको थोड़ा सही कर लिया मैंने, थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। अब देखो एक f जो है एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो इसकी मजबूरी है fx माइनस 2 की कि क्या हो जाए, बताओ f1 बाई x माइनस 2 और fx माइनस 2 इन दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 इंटू एक्स की पावर n, बस यही एक ऑप्शन बचा है और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। देखो ध्यान से, इन दोनों के अलावा कुछ और तुम चाह के भी लिख लोगे तो मल्टीप्लाई होकर 9 नहीं आएगा, करके देख लो भाई, तुम प्लस समथिंग प्लस बी कर लो, प्लस सी कर लो, प्लस 10 कर लो, प्लस 1 कर लो, प्लस एक्स कर लो, मल्टीप्लाई होके 9 नहीं आएगा। 9 आने के लिए इसमें एक ही टर्म होना चाहिए, इसमें एक ही टर्म होना चाहिए, मतलब दोनों जो जो टर्म है, एक ही टर्म कहने का मतलब कि इसमें एक पूरा और इसमें एक पूरा होने, ताकि मल्टीप्लाई होकर सारे टर्म मिलकर के मल्टीप्लाई होकर के 9 आ जाए, ठीक है। तो बच्चों इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें, समझ में आ रही बात। इसको सोचना, सोचो कि अगर यहां पे हम पॉलीनोमियल है तो यहां पे चलो एक्स क्यों नहीं हो सकता, तो करके देख लो तो मल्टीप्लाई होकर के ये 9 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर एक्स का एक ही टर्म होना जरूरी है, और जब एक्स का एक टर्म होगा तो जाहिर सी बात है तभी तो कटेगा, और 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस कर दो, तो ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये पॉलीनोमियल फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये दोनों एक ही चीज है, ध्यान रहे। जहां पर x है वहां पे 1 by x रख दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, ये दोनों एक ही है, बस दिख रहा है थोड़ा अलग अलग डिजाइन में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय द फंक्शन fx बराबर दिस मच, इसको भूल जाओ अभी, ये याद रखो, समझ आ रही बात। ये इसी से सेटिस्फाइड होगा, इसका मतलब ये हुआ fx बराबर 2 प्लस माइनस 3 इंटू एक्स की पावर n। अब तुम्हें बता देता हूं प्लस माइनस आएगा और n बराबर कितना आएगा, f2 बराबर 14 दिया हुआ है, तो 14 बराबर 2 प्लस माइनस 3 इंटू 2 की पावर n, तो 12 बराबर प्लस माइनस 3 इंटू 2 की पावर n, और यहां से कितना आया, यहां से आया 2 की पावर n बराबर प्लस माइनस 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस साइन लेना है और n बराबर, देखो यहां पे दो बातें क्लियर हुई एंड n बराबर 2, तो ये कंफर्म हुआ कि प्लस साइन लेना है और n बराबर 2 लेना है,
किसके लिए कंफर्म हुआ? ये इसके लिए कंफर्म हुआ बच्चों, तुम लोग भी सोचने लगते हो। तो मतलब कि इसमें F2 बराबर 14 रखने पर ये कंफर्म हुआ कि प्लस साइन लेना और n बराबर 2 लेना है। तो मतलब जो हमारा फंक्शन fx है वो है 2 प्लस क्या होगा, 2 प्लस बोल नहीं रहे हो, 2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2, 3 इंटू एक्स की पावर 2। हमारा जो क्वेश्चन बना है वो इस फंक्शन से बना है, ध्यान दो, इसी से बना है, ठीक है, इसी से बना है, ठीक है। तो fx पता चल गया कि वो पॉलीनोमियल फंक्शन यही है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है डिसाइड होता है अंत में यहां से। अगर मान लो यहां पे माइनस 2 की पावर n बराबर ये आया होता तो हम माइनस साइन ले रहे होते ना कि प्लस साइन, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहां पर इन दोनों कंपेयर करने से तुरंत समझ में आ गया, अंत में सॉल्व होते तो यहां तक यहां पे समझ में आ जाएगा कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, जिससे बराबर सूट कर जा रहा, बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो n बराबर 2 लेना है और प्लस साइन लेना है, तो n बराबर 2 और प्लस साइन से हमारा वो फंक्शन बना। और f3 पूछा गया है तो f3 बराबर क्या होगा, यहां से f3 की वैल्यू आ जाएगी, f3 बराबर कितना जाएगा 29 हो गया आंसर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। सब बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? चलो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जब ऐसा क्वेश्चन आए fx f1 by x और इस तरह का इकलौता क्वेश्चन भी है, मतलब एक ही टाइप में क्वेश्चन रहता है, अंत में इस तरह का कुछ आता है और इसके बाद आपको यही डिसीजन लेना होता है कि वो फंक्शन किस फॉर्म में होगा। तो आप उसे प्लस माइनस 3 इंटू एक्स पावर एन कर लो, जैसे साथ उसका जब उल्टा लिखोगे x जगह 1 बाई एक्स लेकर चलोगे तो वही मिलेगा। तो आप फिर इसी को एक्सप्लोर कर लो, प्लस होगा कि माइनस होगा, n बराबर क्या होगा, एक कोई कंडीशन दिया रहता है एग्जाम में, उससे तुरंत कंपेयर करके पता लगा लो कि प्लस और माइनस में से क्या लेना चाहिए और n की वैल्यू क्या लेनी चाहिए। और उससे जब fx ही आ गया तो फिर उसके बाद तो तुम राजा हो, फिर तो चाहे जो कर डालो, फिर f3 निकालो, f4 निकालो, f5 निकालो, मजे लो। चलो ठीक है, इसको नोट कर लोगे ना? हाँ, इसको नोट कर लेना। चलो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।